पाठ 10 काल टेंस। देखिए, पढ़िए और समझिए। नेहा, तुम क्या कर रही हो? पहले मैं पढ़ रही थी, अब खेलने जा रही हूँ। खेलने के बाद कविता याद करूँगी। उपर्युक्त बातचीत में काम के अलग अलग समय पर होने की जानकारी मिल रही है। मैं पढ़ रही थी, क्रिया का बीते हुए समय में होना। अब खेलने जा रही हूँ, क्रिया का चल रहे समय में होना। कविता याद करूंगी, क्रिया का आने वाले समय में होना। अतः हम कह सकते हैं कि काम होने के समय की सूचना देने वाले शब्दों को काल कहते हैं। काल तीन प्रकार के होते हैं। काल के भेद भूतकाल यानी पास्ट टेंस, था, थी, थे। वर्तमान काल यानी प्रेजेंट टेंस, है, हूँ, हैं। भविष्यकाल यानी फ्यूचर टेंस, गा, गी, गे। भूतकाल बीता हुआ समय। क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय की सूचना मिले उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे, शिवानी तुम क्या कर रही थी? मैं कहानी लिख रही थी। तुम तैयार होकर कहाँ गई थी? मैं बाजार गई थी। उपर्युक्त बातचीत में रही थी और गई थी शब्दों से बीते हुए समय में काम के होने की सूचना मिल रही है, अतः ये भूतकाल है। वर्तमान काल काम चल रहा है। क्रिया के जिस रूप से काम के चल रहे होने की सूचना मिले उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे, रोहन तुम क्या कर रहे हो? मैं खेल रहा हूँ। नेहा तुम क्या कर रही हो? मैं टीवी देख रही हूँ। उपर्युक्त बातचीत में रहा हूँ और रही हूँ शब्दों से चल रहे समय के काम के होने की सूचना मिल रही है, अतः ये वर्तमान काल है। विशेष जो काम प्रतिदिन होता है उसे भी वर्तमान काल में मानते हैं, जैसे तारे आकाश में चमकते हैं आदि। भविष्यत काल आने वाला समय। क्रिया के जिस रूप से पता चले कि कार्य आने वाले समय में होगा उसे भविष्यत काल कहते हैं। जैसे, बेटा तुम बड़े होकर क्या बनोगे? पापा मैं बड़ा होकर सैनिक बनूंगा और देश की सेवा करूंगा। माँ मैं इस बार बहुत मेहनत करूंगा और कक्षा में प्रथम आऊंगा। शाबाश। उपर्युक्त बातचीत में बनूंगा, करूंगा तथा आऊंगा शब्दों से आने वाले समय में काम के होने की सूचना मिल रही है, अतः ये भविष्यत काल है। आओ पाठ दोहराएं। काल का सामान्य अर्थ है समय। क्रिया के जिस रूप से उसके करने या होने का समय का पता चले उसे काल कहते हैं। काल के भेद भूतकाल बीता हुआ समय, वर्तमान काल जो समय चल रहा है, भविष्यत काल आने वाला समय।